अभी देख ले सर। Enjoy the beauty of hills। तो अगर आप लोग भी कैलमपोंग घूमने के लिए आते हो तो अवश्य विजिट करना ये जगह को। वाव टाइम देखे दो BTS ऑफ सिनेमेटिक ब्लॉगर हैं तो आज के बंदे ने क्यों बनना क्यों बनने चाह रहा है चलो वाले फॉर के मैं शूट करने सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो या आज हम लोग व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं मैं और हमारे एक्सप्लोरिंग राइडर राहुल दा और कुणाल दा। तो आज मेरे साथ मेरा विजन राइडर नहीं है चिता भाई अपने एंगल वगैरह तो सही आ रहा होगा शायद। तो अभी हम लोग चन्नोलोक पहुंच चुके हैं। ये चन्नोलोक के रास्ते से जा रहे हैं ऊपर व्यू पॉइंट पैराडाइज। तो थोड़ा आगे जाकर कैमरा भी ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि आर्मी एरिया है और आर्मी एरिया में कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। थोड़ा आस्ते आस्ते जाएंगे तो आप लोग भी ये रास्ते से आ सकते हो। ये जो मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो गोल्फ कोर्स है। ये आर्मी का पलटा है गोल्फ कोर्स। इधर कैफ़े भी है आर्मी का आप लोग आकर मज़े से चिल आउट कर सकते हो। इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ हिल्स। तो देखिए इधर आके हमारे राहुल दा। तो जिस कैफ़े का मैं बात कर रहा था वो यही कैफ़े। ओ भाई आगे हमारा विंटर सेशन चल रहा है। ये ऊपर का मॉर्गन हाउस शायद इधर कैमरा ऑफ करना पड़ेगा कि यू नो आर्मी का एरिया। तो या थोड़ी आगे मिलते तो या भाई मतलब इधर वीडियो करने के लिए नहीं देता है तो इसीलिए हम लोगों ने कैमरा ऑफ कर दिया था। अभी इधर से भी देगा नहीं देगा वो पता नहीं मगर मैं कैमरा तो ऑन कर रहा हूँ। तो हमारा कुणाल दा आ रहा है पीछे है। कैमरा ऑन करे तो यार मेरा भी कैमरा ऑन ही होगा शायद। मैं दूसरों को तो बोल रहा हूँ भाई अपना खुद का ऑन है कि नहीं वो पता नहीं। तो एक्चुअली कल हमारा प्लान था कि हम लोग ऊपर जाकर थोड़ा सिनेमैटिक वीडियो बनाना था रील्स के लिए। तो क्या हुआ कि कल मैं पूरा मतलब बिजी हो गया था रेस्टोरेंट में। भाई ये आर्मी का गाड़ी ने भाई पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है क्या बोलो। इन लोगों का ये एरिया है कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। मैंने कभी भी मतलब ये व्यू पॉइंट नहीं दिखाया है मेरे वीडियो में आज तक। तो क्या ही अच्छा भाई क्लीन व्यू दिख रहा है। इधर भी एक व्यू पॉइंट है हम लोग एक बार आए थे मतलब पूरा फॉगी हो रखा था तब आए थे। इधर भी एक जगह है आप लोग इधर आके बैठ सकते हो। भाई मेरे आगे टायर में ना बिल्कुल भी हवा नहीं है इसीलिए बहुत बबलिंग कर रहा है भाई। इसलिए भाई मैं ओवरटेक भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ओवरटेक करूँगा तो भाई एकदम आगे का टायर स्लिप भी हो सकता है जिसकी वजह से। इधर एक ऊपर व्यू पॉइंट है शायद इधर ही रुकेंगे पता नहीं। मुनी को किया तब का मर्जी कहाँ जाने तल मैथी में आने अल। तो भाई देख सकते हो भाई क्या ही मतलब आज तो भाई एकदम वेदर भी भाई हमारे साथ है। तो अगर आप लोग भी कैलमपोंग घूमने के लिए आते हो तो जरूर से विजिट करना ये जगह को। ज़्यादा दूर नहीं है कैलमपोंग से। तो अगर आप लोग टूरिस्ट कैब वगैरह में साइट सीन करने के लिए आते हो तो वो लोग तो आपको ये जगह वगैरह नहीं दिखाएगा। खुद भी आ सकते हो बाई वॉकिंग भी आ सकते हो उतना दूर नहीं है। अगर आप लोग कैलमपोंग में सुमित बरसाना लिलियम गार्डन रिच में फिर स्टे कर रहे हो तो भाई आप लोग आ सकते हो वॉकिंग करके। आज इधर व्यू पॉइंट में भाई जगह भी एकदम खाली है ऊपर ही ले जाएंगे भाई लेट्स गो। आज तो दामी भइरहेको रहेछ।
खाली हाथ दस क्यों हेमी देखते रहे अहिले त राई ये अभी इधर सिनेमैटिक हो रहा है और नीचे ये जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है 27 मेल का डैम है और इधर सिनेमैटिक चल रहा है तेरी के इधर सिनेमैटिक चल रहा है गाड़ी आएगा तो हटाना पड़ेगा BTS of cinematic vlogger and though mehnat aaj ke bandinu ki bannu chha ra chhod bare koti maar garnu bhayeko elai belga ebara samosa kinne lyaudhe ni ele ए उल्टा पो परफेक्ट चलो ये चाहिँ बिएन अलि यता राख यो यो एन्डमा चाहिँ बाइक राख न अरे यहाँ चाहिँ बाइक राख न ग अलि पछाडि चाहिँ मड गर्छ यसलाई त यस्तो सजिलो लाग्यो अरे यस्तो यस्तो अब चाहिँ यसलाई चाहिँ नि जस्ट ल त हात कामै गर्नु छ ल यो फोनबाटै खिचेको होला त्यो पनि एडिट एडिटमा ब्ल्याकी 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 गोप्रो हिलो 5 बैडास बैडास थोडा मैला हो चुका है बैडास टेल लाइट अगर आप लोग भी निकालेंगे तो यही हालत होगा कुछ और ये है हमारा हीरो बिस्तारी अजय बिस्तारी गाने हो क्यों थम्बनेल निकाल्न दा माथि गएर दामी देख्दै थियो नि हो मलाई बाइकलाई वाउ दामी देखेछ हौ सो या गाइस आजको भिडियो के बस इतना ही था मेरा मेन क्यामेरा का जो चार्ज केबल खत्म हो चुका है Bye bye. Bye bye. Peace out.